आपके साथ। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में स्थानीय निवासियों ने आजमनगर केसरी चौक पर भारत चीन सीमा पर बलिदान देने वाले शहीदों के नाम श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही 10 मिनट का मौन भी रखा गया। आजमनगर के सैयद आलम उर्फ पिंकू और अन्य लोगों ने शहीद जवानों के परिवार से एसजीएन न्यूज के माध्यम से अपील करते हुए कहा है कि पूरा देश आपके साथ है और भारत सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की है। हिंदुस्तान की सेवा के लिए अगर जरूरत हो तो हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को देश की सेवा का मौका दिया जाए, ऐसा सरकार से मांग किया है। साथ में यह भी कहा है कि सभी शहीद जवानों के लिए हमें दुख है और अब वो हमारे बीच नहीं रहे मगर हमारे दिलों में सदा के लिए अमर रहेंगे। यह श्रद्धांजलि इस परपज से दिया जा रहा है 15 जून 2020 को लद्दाख क्षेत्र में अवैध रूप से चाइनीज सैनिक और हमारी हिंदुस्तानी सेना ने उन्हें रोकने का काम किया और उनसे जो है शत्रु पूर्व लड़े और उनको अपने क्षेत्र से बचाने का काम किया। इसलिए इसमें हमारे एक दो साथी दो जवान शहीद हो गए, इसके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से और राम रहीम खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। तो लद्दाख का जो बॉर्डर था, बॉर्डर पर चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था, झड़प हुआ था, जिसके कारण हमारे 20 जवान इस दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो गए। हम भगवान से, ईश्वर से, खुदा से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उसको परिवार को सहन करने का शक्ति दे इस दर्दनाक घटना को। खास करके जो हमारे बिहार से एक सैनिक शहीद हुए छपरा से और एक झारखंड के साहबगंज से, मैं उन दोनों स्टेट बिहार और झारखंड दोनों स्टेट के जवानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं उसके प्रति इसलिए ज़्यादा आभार जो हमारे बिहार के और बगल के स्टेट के झारखंड के साहबगंज के भी जवान शहीद हुए हैं। मैं मिस्टर मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने जो सत्ता में आते ही कहा था कि मैं एक सर के बदले 10 सर ला के रखूँगा, अब वो वक्त आ गया है और वो समय आ गया है। आज हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों पर गोली से प्रहार किया जाता है, बम से प्रहार किया जाता है, उनकी जानें जा रही है। मोदी जी, अब वक्त आ गया है कि अब एक सिर के बदले हम लोग को 20 सर चाहिए, 10 नहीं अब 20 सर चाहिए। अब मुकाबला होनी चाहिए, अगर कोई कमी है तो बॉर्डर पर हम लोग के जैसा होनहार नौजवान, जिले से बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है, अगर कोई कमी हो तो हम लोग को भी बताइए। आज जो हमारे मुल्क के साथ कभी पाकिस्तान के द्वारा हमारे सैनिक का कत्लेआम किया जाता है, कभी बांग्लादेश के द्वारा किया जाता है, कभी चाइना के द्वारा, कभी नेपाल के द्वारा हमें सताया जा रहा है, अब हम सब बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हैं। आपने जो वादा किया था, अब ये वक्त है जवाब देने का, आप जवाब दीजिए। पूरा हिंदुस्तान का आवाम, राम रहीम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इस संघर्ष में आपके साथ है और आने वाले दिन में हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।